अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन बिरयानी। तो चिकन बिरयानी बनाने के लिए मैंने सारे सामान रेडी कर लिए हैं, ये देखिए। और मैंने गैस पे पैन रख दिया है, उसमें तेल डाल के गरम कर लिया है। और इस तेल में हम ये कटे हुए प्याज को डालेंगे। प्याज को हमें गोल्डन फ्राई कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से इसको लगातार चलाते हुए गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। और ये मेरे प्याज फ्राई हो गए हैं और इसको मैं निकाल के ठंडा कर लूँगी प्लेट में। तो प्याज मैंने निकाल लिया है, पैन में मैंने थोड़ा सा तेल छोड़ दिया है। इस तेल में मैं सारे खड़े मसाले डाल रही हूँ, ये दालचीनी, लौंग, इलायची और साबुत ज़ीरा। सारे खड़े मसाले डालने के बाद यहाँ पे करीब 1 किलो गोश्त मैं चिकन का ली हूँ, वो मैं इसमें डाल के गोश्त को भी हल्का सा इसके साथ फ्राई कर लेंगे। ये देखिए गोश्त हमारा हल्का सा फ्राई हो गया। अब देखिए इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। पहले नमक हम कम रखेंगे क्योंकि हमें चावल में भी नमक डालना है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डाल रही हूँ, ये 4 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसको भी साथ में डाल के भून लेंगे। ये देखिए अदरक लहसुन के साथ हमारा चिकन भुन रहा है। तो अब इसमें हम ये पाउडर वाले मसाले डालेंगे, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और ये गरम मसाला पाउडर। ये भी इसको डालने के बाद भी थोड़ा सा भुनेंगे। उसके बाद से मैं ये फ्राइड अनियन जो है इसको मैं इसमें ऐड करूँगी। और उसके बाद ये टमाटर, टमाटर को इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए कटे हुए टमाटर मैं इसमें डाल रही हूँ। ये टमाटर मैंने इसमें डाल लिया है, मैंने 3-4 स्लाइसेस छोड़ दिए हैं बाद में डालने के लिए। और इसमें मैं ये दही ऐड कर रही हूँ। और ये धनिया की पत्ती। सारी चीज़ों को डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बिरयानी मसाला, ये बड़े चम्मच से 1 चम्मच है। और थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे पानी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको ढक के मैं करीब 5-10 मिनट पकाऊंगी।
और चलिए देखिए, हमारा चिकन 10 मिनट तक कुक हो चुका है। इसको एक बार फिर से हम 15 मिनट कुक करेंगे। और चलिए हम अपने चावल को रेडी कर लेते हैं। मैंने पानी में नमक ऐड कर दिया है 1 चम्मच, और इसमें मैं ये खड़े मसाले डाल रही हूँ, इलायची, दालचीनी और गोल मिर्च, लौंग और साबुत जीरा और एक टुकड़ा नींबू का। ये देखिए, नींबू को मैं इसमें गार के अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये धनिया की पत्ती और कटी हुई हरी मिर्च। इससे क्या होता है कि चावलों में हमारी अच्छी खुशबू आ जाती है। तो सारी चीज़ें हम मैं डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल। ऑयल से क्या होता है कि चावल हमारे चिपकते नहीं हैं आपस में और खिले खिले से होते हैं। तो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इसको ढककर कभी करीब 5-10 मिनट खौलाऊँगी इस पानी को। तो ये देखिए, चिकन हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। बस इसमें मैं देखिए, इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा भूनूंगी, और इसको भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी ये कुटी हुई हरी मिर्च। इससे बिरयानी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए, चिकन हमारा रेडी हो गया है बिल्कुल। बस इसमें मैं कुटी हुई हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, और बस हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है। इसको हल्का सा भूनने के बाद करीब 5 मिनट बाद इसको हम उतार लेंगे। और इधर देखिए, हमारा ये पानी बिल्कुल खौल गया है। इसमें मैंने 2 घंटा चावल भिगो के रखा था, वो चावल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, चावल मैंने इसमें डाल दिया है। इसको ढककर मैं 10 मिनट पकाऊंगी। और ये देखिए, 10 से 15 मिनट के बाद हमारा चावल बिल्कुल रेडी है। ये 80% तक कुक हो गया है और 20% ये गोश्त के साथ दम में पक जाएगा। ये देखिए, चावल हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो गया है रेडी। तो चावलों को हम पानी से निकाल लेंगे और ये पानी हम ड्रेन कर लेंगे। ये पानी मैंने चावल का ड्रेन कर लिया है, और चावल कुछ चावल को मैंने इसमें फैला दिया है इस तरह से। ये हमारी फर्स्ट लेयर है। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पत्ती, हरी मिर्च, थोड़ा सा फ्राइड अनियन। और टमाटर। उसके बाद से मैं ये गोश्त के पीसेस को इसमें सेट करूंगी। इस तरीके से हमें सारे गोश्त को इसमें सेट कर लेना है। ये देखिए, सारा गोश्त मैंने डाल दिया है, सालन भी। और इस पे मैं डाल रही हूँ धनिया की पत्ती, फ्राइड अनियन और कटे हुए टमाटर। और ये इसके बाद से मैं ये बचे हुए जो हमारे चावल हैं वो इसमें डाल रही हूँ। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ ये फ्राइड अनियन।
कुछ कटी हुई हरी मिर्च और धनिया की पत्ती, ये देखिए इस तरीके से हम इसको रेड कर लेंगे करके। और इसमें मैं डालूंगी फूड कलर और उसके बाद से मैं कपड़े से ढककर इसको 5 मिनट हाई फ्लेम पे, उसके बाद लो फ्लेम पे 10 मिनट रखूंगी। ये देखिए बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। देखिए चावल कितना गीला गीला हुआ है। तो देखिए बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसको मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इसको मैं सर्व करती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से गोश्त और चावल दोनों पक चुका है। तो इस तरीके से आप बिरयानी बनाने के लिए ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आने वाला है इसका टेस्ट और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट का होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।